सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि इंसान अगर अपनी बीमारी से परेशान है और पीड़ा में है तो उसे सम्मान पूर्वक खुद का जीवन खत्म करने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर जमकर बहस होने लगी। हाल ही में पद्मावत बनाने वाले संजय लीला भंसाली ने भी इस पर टिप्पणी की है। उन्होंने जब इस विषय पर एक फिल्म बनाई तो उस वक्त बहुत हल्ला किया गया था। बता दें कि सम्मान पूर्वक मृत्यु को लेकर संजय लीला भंसाली ने साल 2010 में गुजारिश नाम की एक फिल्म बनाई थी। इस फिल्म की पटकथा इच्छा मृत्यु पर आधारित थी। उस वक्त फिल्म के कंटेंट को लेकर काफी बहस छिड़ गई थी। फिल्म गुजारिश में ऋतिक रोशन ने मुख्य भूमिका निभाई थी। उन्होंने एक क्वाड्रिप्लेजिक यानी जिसकी चारों लिम्ब में पैरालिसिस हो जाए मरीज का रोल किया था। इस फिल्म में उनके अपोजिट ऐश्वर्या रॉय थी। 2017 में हॉलीवुड में भी ब्रीथ नाम से एक ऐसी ही फिल्म बन चुकी है। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।